हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे पैरोमेटलर्जी के बारे में, बेसिक्स जानेंगे पैरोमेटलर्जी के। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का पांचवा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको ओर्स और मिनरल्स के बारे में, उसके डिपॉजिट के बारे में, इसके अलावा जो बेसिक मेटलर्जिकल थर्मोडायनेमिक्स है उसके बारे में पढ़ाया है, और इलिंगम डायग्राम के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और आपको मेटलर्जी के और भी अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको और बहुत सारे सब्जेक्ट के लेक्चर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को और पढ़ते हैं पैरोमेटलर्जी के बारे में। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में पैरोमेटलर्जी होता क्या है। ठीक है, तो पैरोमेटलर्जी क्या है, एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। ठीक है, वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जिसमें हम हाई टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, उस एक्सट्रैक्शन को प्रोसेस को बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। ठीक है, अब देखो पायरो का मतलब ही होता है आग या फायर, ये एक ग्रीक वर्ड है, पायरो का मतलब होता है फायर। ठीक है, तो किसी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जब हम फायर का यूज़ करते हैं या हाई टेम्परेचर का यूज़ करते हैं ना, तब उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को बोलेंगे पायरोमेटलर्जी। ठीक है, तो पैरोमेटलर्जिकल प्रोसेस का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मेटल के एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके मेटल है, जैसे आयरन है, लेड है, जिंक है, कॉपर है, टीन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो मेटल है ना, उसका प्रोडक्शन हम पैरोमेटलर्जी से ही करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और आता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी आता है और हाइड्रोमेटलर्जी आता है। ठीक है, तो उसको भी मैं आगे जाके कवर करूँगा, है ना। थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ, हाइड्रोमेटलर्जी क्या है। हाइड्रोमेटलर्जी के केस में हम क्या करते हैं, आपका जो ओर होता है ना, उसको एक किसी सॉल्यूशन में, है ना, जैसे जनरली एसिड वगैरह में उसको हम डिजोल्व करते हैं। ठीक है, डिजोल्व करते तो क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जो केवल मेटल को डिजोल्व कर ले और गैंग को डिजोल्व ना करे। ठीक है, तो जो मेटल को क्या करता है, वो सॉल्यूशन डिजोल्व कर लेता है, फिर वहाँ से गैंग को हम छान के अलग कर देते हैं, और जो मेटल उसमें डिजोल्व है उसको बाद में हम किसी और मेथड से, जैसे प्रेसिपिटेशन मेथड है, उसके अलावा आयन एक्सचेंज मेथड है, वहाँ से जो मेटल डिजॉल्व है उसको बाद में रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हाइड्रोमेटलर्जी काम करता है, वहाँ पे बहुत सारे हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से डिटेल वीडियो बताऊँ, डिटेल वीडियो में बनाऊँगा हाइड्रोमेटलर्जी के लिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने भी आपको दी है। इसके अलावा एक होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में देखो नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं। उस केस में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उसमें अपना जो ओर होता है, जो ओर है उसको डिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, डिजोल्व करने के बाद क्या करते हैं, इसमें एनोड और कैथोड जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपका जो मेटल है ना, मेटल जनरली क्या होता है, कैथोड में जाके धीरे धीरे वो जमा होने लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी इस तरह से काम करता है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। जनरली जो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन है वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी से होता है। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है पैरोमेटलर्जी, जहाँ पे हम हाई टेम्परेचर में प्रोसेस करते हैं या आग या फायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, उसके लिए मैं डिटेल से वीडियो आगे बनाऊंगा। ठीक है, अब देख लेते हैं पैरोमेटलर्जी के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, मतलब जब हम जो एक्सट्रैक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर में, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। तो पहला एडवांटेज क्या होता है कि हाई टेम्परेचर में ना आपका रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन रेट होगा, जो भी रिडक्शन रिएक्शन होगा, वो टेम्परेचर हाई होने के कारण बढ़ता है। और जब टेम्परेचर, सॉरी, हाँ, रिएक्शन रेट अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन रेट भी बढ़ जाएगा, बहुत कम समय में ही आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जनरली आपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन 5 मिनट में होता है ना, किसी टेम्परेचर में, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस में, आप केवल 10 डिग्री बढ़ा दो, 110 डिग्री कर दो टेम्परेचर, रिएक्शन 5 मिनट में जो हो रहा है ना, वो 2.5 मिनट में होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जितना हाई टेम्परेचर में होगा ना कोई भी प्रोसेस, उतना ज़्यादा रेट से वो केमिकल रिएक्शन होगा, तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, सेकेंड क्या होता है एडवांटेज, पायरोमेटलर्जी में हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण हम ना जो सस्ते रिड्यूसिंग एजेंट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्ते रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन, जो बहुत ही सबसे सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके अलावा हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो उतने कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, उसका भी इस्तेमाल हम पैरोमेटलर्जी में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पैरोमेटलर्जी एक तरह से बाकी प्रोसेस के कंपेयर में थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ठीक
ठीक है, तो उसका हैंडलिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है, बहुत महंगे होते हैं केमिकल्स। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगा है वैसे भी। ठीक है, तो पैरोमेटलर्जी क्या परमिट करता है कि हम सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकें। ठीक है, इसलिए पैरोमेटलर्जी क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज में भी यही लिखा है कि हाई टेम्परेचर प्रोसेस क्या होता है, जनरली सस्ता होता है। ठीक है, और वर्सटाइल भी होता है, मतलब इसमें बहुत अलग अलग टाइप के आप प्रोसेस कर सकते हो, जैसे ब्लास्ट फर्नेस है, बहुत सारे फर्नेस आते हैं इसमें, ब्लास्ट फर्नेस आता है ना, उसके बाद रिवर रिवर बैटरी फर्नेस आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका इंडक्शन फर्नेस है, एलडी कन्वर्टर है, बहुत सारे फर्नेस आते हैं, तो ये वर्सटाइल मेथड होता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या है कि कार्बोथर्मिक रिडक्शन केवल हाई टेम्परेचर में पॉसिबल है। कार्बोथर्मिक रिडक्शन मतलब जब हम कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कार्बन बहुत सस्ता होता है, कोक या कोयला बहुत सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो वो केवल आप पायरोमेटलर्जी में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें एडवांटेज है कि पायरोमेटलर्जी में क्या होता है, आपको बहुत कम जगह में ही आपका बहुत सारा मेटल आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, जगह आपको कम चाहिए, जैसे हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े टैंक में केमिकल रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बावजूद भी प्रोडक्शन रेट बहुत कम होता है वहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी में भी सेम केस होता है, वहाँ पे आपको जगह ज़्यादा चाहिए बट प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। बट पायरोमेटलर्जी का बहुत अच्छा एडवांटेज है, बहुत छोटी सी जगह में आप बहुत ज़्यादा मेटल प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, मतलब प्रोडक्टिविटी कम समय में और कम जगह में आप बहुत सारा मेटल प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हो गए, पायरोमेटलर्जी के एडवांटेजेस हो गए। अब हम देख लेते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं पायरोमेटलर्जी में। तो पायरोमेटलर्जी में मेटल प्रोड्यूस करने के ना 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है कैल्सीनेशन, सेकेंड रोस्टिंग, थर्ड स्मेल्टिंग और फोर्थ रिफाइनिंग। एक एक को हम बहुत डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कैल्सीनेशन और रोस्टिंग का इंट्रोडक्शन दूंगा बस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से और हम डिटेल में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैल्सीनेशन क्या होता है। ठीक है, तो कैल्सीनेशन में क्या करते हैं हम, कैल्सीनेशन में हम करते हैं हीटिंग ऑफ कंपाउंड इन एब्सेंस ऑफ एयर, है ना। जब हम ओरिया मेटल कंपाउंड को एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैल्सीनेशन। तो कैल्सीनेशन में क्या होता है ना कि जो कंपाउंड में जो वोलेटाइल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या H2O, वो इलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, जब इसको हम गर्म करते हैं या ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं तो वहाँ पे गर्म होता है, तो उस केस में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड वो है स्लैग बनाने का काम आता है। ठीक है, तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है ना, इसी को हम बोलते हैं कैल्सीनेशन। तो कैल्सीनेशन के केस में हम टेम्परेचर कैसे पता करेंगे कि कौन से कंपाउंड का डिकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या होगा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसका फ्री एनर्जी डेटा। जैसे इस रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी का इक्वेशन ये है, तो टेम्परेचर पता करने के लिए ना हम फ्री एनर्जी को जीरो कर लेते हैं, मतलब डेल जी को हम जीरो अज्यूम कर लेंगे, फिर यहाँ से इस इक्वेशन से हम निकालेंगे टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे इस इक्वेशन में हम टेम्परेचर निकालेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 1173 केल्विन या 850 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर हुआ 850 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब आप कैल्सीनेशन करेंगे तो जनरली 850 से ऊपर में ही आपको करना पड़ेगा कैल्सीनेशन, क्योंकि जितना हाई टेम्परेचर में आप कैल्सीनेशन करोगे ना, उतना ही ज़्यादा जल्दी जो है उतना जल्दी उसका डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर आपका है 417, आयरन कार्बोनेट का है 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे कंपाउंड का अपना अपना डिकम्पोजिशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है कैल्सीनेशन। जनरली हम कैल्सीनेशन कहीं अलग से फर्नेस में नहीं करते हैं, जब ये प्रोसेस चलता है ना उस समय ही जो है कंपाउंड का कैल्सीनेशन हो जाता है। कई बार कैल्सीनेशन अलग से करते हैं बट मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं हम, अलग से कैल्सीनेशन नहीं करते, फर्नेस के अंदर ही क्या हो जाता है, कैल्सीनेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है रोस्टिंग। ठीक है, तो अब रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग इज़ ए केमिकल कन्वर्जन ऑफ ओर। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, रोस्टिंग इज़ ए केमिकल कन्वर्जन ऑफ ओर, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओर है जैसे सल्फाइड ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिए, या उसको हम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिए, या उसको सल्फेट में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो नेचर ऑफ ओर है उसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रोस्टिंग। अब बात आती है कि हम ऐसा करते क्यों हैं कि सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिए या क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिए। ये देखो, इसलिए ये हम इसलिए करते हैं ताकि मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है ना वो आसानी से हो सके। जैसे कि सल्फाइड जो ओर होता है,
सल्फाइड ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करना बहुत मुश्किल प्रोसेस है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो हम क्या कर लेते हैं ना, उस सल्फाइड ओर को कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्साइड ओर में, ठीक है। तो ऑक्साइड ओर का एक्सट्रैक्शन करना बहुत आसान है, ठीक है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, मेटल को, ओर को जो है एक्सट्रैक्शन के लिए पहले से तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्साइड का अच्छे से होता है, आसानी से होता है, तो सल्फाइड को क्या कर लो, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। वैसे ही कुछ कुछ ऐसे ओर होते हैं जो ऑक्साइड से जल्दी एक्सट्रैक्शन नहीं होते, क्लोराइड से होते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ओर को क्लोराइड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर वहाँ से हम आगे का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करेंगे, ठीक है। मतलब हम हमारे आगे के प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ओर के नेचर को चेंज करते हैं, इसी को हम बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। तो रोस्टिंग जो है ना पैरोमेटलर्जी में स्मेल्टिंग के पहले होता है, ठीक है। मैंने बताया ना स्टेप क्या क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है, रोस्टिंग होता है, फिर स्मेल्टिंग होता है। तो स्मेल्टिंग के पहले हम करते हैं रोस्टिंग, ठीक है। ये रोस्टिंग प्रोसेस हाइड्रोमेटलर्जी में भी किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी कई बार ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जहाँ पे जैसे सल्फाइड जो ओर हैं वो डिजोल्व नहीं हो पाते हैं, तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है किसी ऐसे नेचर में, ऐसे कंपाउंड में जो आसानी से डिजोल्व हो सके। जैसे ऑक्साइड अगर आसानी से डिजोल्व होता है, तो सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसको हम केमिकल में डिजोल्व कराएंगे, ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जी के केस में। तो रोस्टिंग दोनों में होता है, ठीक है, पायरोमेटलर्जी में भी और हाइड्रोमेटलर्जी में। तो पायरोमेटलर्जी में इस जो स्मेल्टिंग है उसके पहले होता है, और हाइड्रोमेटलर्जी में लीचिंग ऑपरेशन के पहले होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। जनरली होता क्या है ना, जो पायरोमेटलर्जी प्रोसेस है वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं। तो ऑक्साइड का रिडक्शन बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सल्फाइड। तो सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो, फिर वो आसानी से रिड्यूस हो जाता है। वैसे क्या होता है ना, जो लीचिंग प्रोसेस है, लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब डिजोल्व जो कराते हैं हम लोग, ओर को डिजोल्व कराते हैं केमिकल में, तो जो डिजोल्यूशन प्रोसेस होता है ना वो आसान होता है अगर आपका जो ओर है वो सल्फेट के फॉर्म में, क्लोराइड के फॉर्म में या ऑक्साइड के फॉर्म में हो, तो बहुत जल्दी डिजोल्व होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, मेटल को इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम रोस्टिंग में एक्चुअली में करते क्या है, ओर को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था, रोस्टिंग में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम ओर को हीट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के रोस्टिंग आते हैं। पहला टाइप है ऑक्सीडाइजिंग रोस्टिंग, नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे ओर को। तो ऑक्सीडाइजिंग रोस्टिंग में हम क्या करते हैं ना, जो सल्फाइड ओर होता है उसको हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जिंक सल्फाइड है, इसको हम जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे रोस्टिंग के थ्रू। देखो ये आपका जिंक सल्फाइड है, इसको हमने गर्म किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया और SO2 बन गया, ठीक है। तो ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया, और ये जो SO2 प्राप्त हुआ है उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए भेज देते हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रोसेस में अगर जो ओर है उसमें से आप कम्प्लीटली पूरा सल्फर अलग कर देते हो ना, तो इसी को बोलते हैं डेड रोस्ट, ठीक है। मतलब जिंक सल्फाइड में आप इतना ज़्यादा रोस्टिंग कर दिए कि जिंक सल्फाइड बचा ही नहीं, पूरा का पूरा सल्फर उड़ के क्या बन गया, SO2 बन गया। मतलब सल्फर अगर रहा ही नहीं ओर में, तब उसको हम बोलते हैं डेड रोस्ट, ठीक है। इसमें जो गैंग मटेरियल होते हैं ना, जैसे इस ओर के, जैसे जिंक सल्फाइड के है, स्फेलराइट ओर है, इसमें बहुत सारे गैंग मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे सिलिका होता है, क्वार्ट्ज होता है। यही सब जो है ना एक कैटलिस्ट का काम करता है रोस्टिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। ये जो गैंग मटेरियल है ना वही कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो रोस्टिंग ऑपरेशन जनरली डिपेंड करता है टाइम, टेम्परेचर और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे, ठीक है। मतलब कितना रोस्टिंग होगा किस पे डिपेंड करके, कि आप कितना टाइम तक उसको हीट कर रहे हो, कितना टेम्परेचर में हीट कर रहे हो, और ऑक्सीजन आप कितना प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। इससे पता चलेगा कि रोस्टिंग आपको कितना करना है, ठीक है, पूरा सल्फर अलग करना है कि कम सल्फर करना है अलग। तो इस हिसाब से ये तीनों चीज़ें मेन फैक्टर होती है। नेक्स्ट आपका रोस्टिंग है वोलेटिलाइजिंग रोस्टिंग, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, इस रोस्टिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, जो हम वोलेटाइल ऑक्साइड होते हैं ना ओर में, वोलेटाइल ऑक्साइड जैसे कि आपका ये है आर्सेनिक ऑक्साइड है, ये बिस्मथ ऑक्साइड है, ये क्या है वोलाटाइल ऑक्साइड से, मतलब जब आप इसको फर्नेस में डालोगे ना तो वोलाटाइल ये जो ऑक्साइड है ना गैस बन के उड़ना चालू हो जाता है, ठीक है। तो वो फर्नेस ऑपरेशन को क्या कर सकता है, ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो इस ऑक्साइड को हमको पहले से ही बाहर निकालना होता है। तो इस रोस्टिंग में हम मेटल को गर्म करते हैं, ओर को गर्म करते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन देते हैं। इससे क्या होता है, ये जो ऑक्साइड है ना
गैस बन के पहले ही बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो स्मेल्टिंग के समय फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, है ना। तो जब ये रोस्टिंग करते हैं ना, तो उस समय ऑक्सीजन सप्लाई का थोड़ा ध्यान रखा जाता है कि ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर दोगे इस केस में, तो ये जो ऑक्साइड है ना, वोलाटाइल ऑक्साइड, ये हायर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी ये क्या है, ये क्या है, आर्सेनिक ऑक्साइड है, AH2O3, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दोगे ना तो ये O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये वोलाटाइल नहीं रह पाएगा, वो मतलब गैस बन के नहीं उड़ेगा, वो अंदर और में ही रह जाएगा। तो ऑक्सीजन सप्लाई को क्या करना है, आपको कंट्रोल करके रखना है। थर्ड टाइप का रोस्टिंग है क्लोरोडाइजिंग रोस्टिंग, ठीक है। इसमें भी नाम से पता चल रहा है, क्लोराइजिंग रोस्टिंग मतलब हम ओर को क्या कर रहे हैं, क्लोराइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कोई ऑक्साइड ओर है या कोई सल्फाइड ओर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, क्लोराइड ओर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वाला रिएक्शन देखिए, मान लीजिए कोई ये मेटल सल्फाइड है, कोई ओर है, ठीक है, सल्फाइड ओर है, इसको हम रिएक्शन कराने हैं NaCl से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो मेटल क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, ये मेटल क्लोराइड बन रहा है। तो इस तरीके से होता है क्लोराइजिंग रोस्टिंग, ठीक है। जनरली कौन कौन से मेटल के लिए यूज़ करते हैं हम, यूरेनियम है, बेरिलियम है, नायोबियम है, जिरकोनियम है और टाइटेनियम है। इन सब का जो प्रोडक्शन है, या बोल सकते हो कि जो एक्सट्रैक्शन है, वो क्लोराइड ओर से होता है। मतलब इनके जो ओर होते हैं ना, जैसे यूरेनियम का जो मेन ओर है ना, पिच ब्लेंड, वो एक ऑक्साइड ओर होता है, ठीक है। बट उससे उसका प्रोडक्शन बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम जो यूरेनियम ऑक्साइड है ना, उसको यूरेनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो बड़ी आसानी से एक्सट्रैक्शन हो जाता है। तो ये जो बहुत सारे जो मेटल्स के नाम मैंने बताया ना, इसका एक्सट्रैक्शन जनरली क्लोराइड कंपाउंड से किया जाता है, इसके ओर को क्लोराइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट है अदर काइंड ऑफ रोस्टिंग, मतलब और इसके अलावा और कौन कौन से रोस्टिंग होते हैं। तो इसके अलावा कुछ और रोस्टिंग होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक रोस्टिंग होता है। मैग्नेटिक रोस्टिंग में क्या करते हैं, हम हेमेटाइट ओर को मैग्नेटाइट ओर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है रिडक्शन रोस्टिंग, जहाँ पे हम कुछ ऑक्साइड ओर को पहले ही थोड़ा बहुत रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। देखिए मेन जो रिडक्शन होता है वो स्मेल्टिंग ऑपरेशन के टाइम पे होता है, जो नेक्स्ट रोस्टिंग के बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, स्मेल्टिंग ऑपरेशन, वहाँ पे मेन रोस्टिंग होता है, सॉरी मेन जो है रिडक्शन होता है। बट रिडक्शन रोस्टिंग में हम थोड़ा सा पहले ही रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है, ताकि जब मेन जब रिडक्शन चालू होगा स्मेल्टिंग के टाइम पे, उस समय काम कम हो, ठीक है। तो हम पहले से अगर रिडक्शन कर देते हैं ना, इसी को बोलते हैं रिडक्शन रोस्टिंग, ठीक है। इसके अलावा ब्लास्ट रोस्टिंग या सिंटर रोस्टिंग भी आता है। ये सिंटर रोस्टिंग जो आप आयरन मेकिंग में पढ़े होगे ना, सिंटर बनाते हैं, वैसे ही टाइप का है सिंटर रोस्टिंग, उसी को बोल सकते हो। इसमें कोई केमिकल कन्वर्जन नहीं होता है, जनरली इसमें एग्लोमरेशन होता है। तो जो आप सिंटर मेकिंग जो प्रोसेस पढ़ते हो ना, वही उसी को आप बोल सकते हो सिंटर रोस्टिंग है, वो जो सिंटर बनाने की प्रक्रिया है वही क्या है, सिंटर रोस्टिंग है, ठीक है। तो ये है पूरा रोस्टिंग ऑपरेशन। तो मैंने यहाँ पे आपको पायरोमेटलर्जी क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, कैल्सिनेशन के बारे में और रोस्टिंग के बारे में डिटेल से बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से अलग अलग टाइप के रोस्टर्स होते हैं ना, मशीन, रोस्टिंग मशीन कौन कौन से है, उसका मैं डिटेल से जानकारी दूंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।